असम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली सचिवालय के पास में, जहां पूरी सरकार का काम काज चलता है और अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जाता है। और ये जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आइए मैं इस बैनर को दिखाना चाह रहा हूं। बैनर पे लिखा इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। ये न जाने किसका इस्तीफा मांग रहे हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं। एक तरफ यह एवास हॉस्पिटल, दिलसाद गार्डन, दिल्ली 95 के अंदर के जो ठेका कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। सभी दिल्ली के ठेकेदार कर्मियों से अपील, भ्रष्टाचार, महिला और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। आइए इनकी जानकारी लेते हैं कि इनका शोषण किस प्रकार से हो रहा है और क्यों हो रहा है। इनका शोषण करने वाले कौन ऐसे तत्व हैं जो इनका शोषण कर रहे हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। उमेश शर्मा है। उमेश शर्मा जी, आप यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप? दिल्ली के अंदर एक हिबास हॉस्पिटल है जिसे जो है मेंटल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है और शायद एशिया में नंबर या दूसरे दो नंबर या एक नंबर पर यह हॉस्पिटल है। हो क्या रहा है कि पिछले 10-15 सालों से ये कर्मचारी हैं वहाँ पर, करीब 800 कर्मचारी काम करते हैं, सबका जो है पीएफ और ईएसआई ये लोग खाए हुए हैं। और जो अपना पीएफ और ईएसआई मांगता है उन्हें ये लोग काम से निकाल देते हैं, जो कि हो रहा है बराबर, आज भी हो रहा है। और आज भी इस तरीके से इन लोगों का शोषण हो रहा है कि 5-5 हज़ार रुपये पुराने लोगों से मांगे जा रहे हैं और 1-1 लाख रुपये नए आदमी को काम पर रखने का लिया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर जो एनजी देसाई डायरेक्टर हैं और एसके सिंह जॉइंट डायरेक्टर और सीबी त्रिपाठी, ये तीनों की तीगड़ी है, ये तीनों भ्रष्टाचार फैला रहे हैं दिल्ली के अंदर। सतेंद्र जैन जी, केजरीवाल जी, सबको बताया गया है मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि इनकी अब सेटिंग हॉस्पिटल के बड़े बड़े ऑफिसर से हो चुकी है, गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं है जिन्होंने इनको वोट देकर जिताया था। अभी आपने बताया पीएफ और जो ये सही इनका करता है तो ये उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आज क्या कि पहले से ही है कि अगर जिस डिपार्टमेंट के अंदर या जिस हॉस्पिटल के अंदर या दो या तीन से ज़्यादा वो नौकरी करेंगे उन्हें ईएसआई उनका कटेगा? हाँ सर, ईएसआई तो हर आदमी का कटता है, 3 महीने का एक पीरियड रहता है 89 डेज का, उसके बाद ईएसआई कटना और पीएफ मिलना शुरू हो जाता है। मगर सर ये लोग 17-18 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल जी को लेकर, सतेंद्र जैन को, सांसद जी को, सबको लिख के दे रखा है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, कोई नहीं चाहता कि इनको इनका हक मिले, गरीब जनता को जिन्होंने वोट देकर इनको जो है सरकार में लेकर आए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है सर इनका। आगामी योजना क्या रहेगी आपको धरने को लेकर, अगर आपकी बात को नहीं सुनते हैं लोग तो? आगामी योजना सर यह है कि अगर इन लोगों का इनका जो हक है वो नहीं मिला जल्द से जल्द, तो फिर हम लोग जो है यहाँ पर जो है सेक्रेटरिएट के सामने धरने पे बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे। और अभी हमने इसके बाद जो हमारा अगला प्रोग्राम रहेगा वो करीब 50 लोग जो है सर मुंडवाएंगे अपना और केजरीवाल जी के यहाँ जो है उसको धा करके आएंगे, उस बालों को वहाँ पर जला कर आएंगे। ये हमने प्रतिज्ञा कर लिया, अब हम अपना हक लेके रहेंगे चाहे वो कैसे भी लेना पड़े। सिर मुंडवाने का क्या एक वो चलन है कि सिर मुंडवा लेते हैं, क्या उससे सिर मुंडवाने से मांगे पूरी हो जाती हैं? सर ऐसा है, ये जितना ब्यूरोक्रेट्स और जितने ये नेता है ना, ये जमीन से 100 फुट ऊपर जीते हैं, तो क्या करें सर, हमें भी हमारी कोई चीज़ तो चलती नहीं है, तो सरी मुंडवा कर इन्हें दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई हम भी जमीन से बहुत ऊपर जी रहे हैं। और अपना सर मुंडवा कर जैसे दुनिया सुनती है, दुनिया जानना इस चीज़ को जाती है, ये एक र्यूमर बन गया है इस तरीके का कि हम ऐसा करके जो है इनको जता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई हम जो है बहुत पीड़ित हैं। तो जो पीड़ित बहुत ज़्यादा होता है वो सर मुंडवाता है, हम सर मुंडवा कर जो है अपनी इनको जो है परेशानी दिखाना चाहते हैं। आप जैसे कि बताया कि 18 साल से हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनका स्टाफ चेंज करने की क्या बात आ गई कि उनको स्टाफ चेंज करना पड़ रहा है, पुराने को हटा के नए को रखना, कहीं ना कहीं हो सके वो उस टाइप से वर्क नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं? मैडम हो क्या रहा है कि पिछले 18 साल से ये लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, और अब होता क्या है कि ये प्रथा है इन लोगों की कि ये लोगों को जो है ना कर्मचारियों को बराबर बदलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए पीएफ ना मांगे कोई, ईएसआई अपना ना मांगे, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार ने एक सीमित तनख्वाह बनाई हुई है 11,000 कुछ रुपए, जो पुरानी है, अभी तो नई 13,000 की आ गई है, उसमें क्या करते हैं ठेकेदार के साथ मिलकर जो अफसर हैं ब्यूरोक्रेट्स ये कट लेते हैं, कट का मतलब 1,000-2,000 रुपये कमीशन लेते हैं इन कर्मचारियों के बीच में से। और जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं हम किसी बड़े नेता के वो हैं, कोई किसी का नाम लेता है, मगर कुल मिला के बात यह है कि इनको किसी ना किसी तरीके से निकालना है जिससे कि नई भर्ती हो और फिर पैसा कमाया जाए। अभी 1-1 लाख रुपए ये लोग कमा रहे हैं, जो नए वर्कर वहाँ पर लिए गए हैं अगर जांच कराई जाए तो 1-1 लाख रुपए उनसे लिया जा रहा है और उनको भर्ती कराया जा रहा है, और पुराने लोगों से भी 5-5 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। मगर हो क्या रहा है कि अब पुराने वालों से 5-5 हज़ार में तो काम चलेगा नहीं, अब नए वालों को रखेंगे जिनसे 1-1 लाख रुपये लेंगे, उससे जो है अब ऊपर तक बांटना भी रहता है पैसा, तो इस करके ये लोग जो है बदल रहे हैं कर्मचारियों को बदल रहे हैं। और ये दिल्ली का नहीं पूरे देश का यही हाल है।